नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव है। असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में सरकार का गठन करने के बाद बीजेपी पूर्वोत्तर में तेजी से अपने पांव पसारने में जुटी हुई है और इसी वजह से मोदी मैजिक की रणनीति भी अपनाई जा रही है। मोदी ने पूर्वोत्तर में रैलियां अपनी तेज कर दी हैं। नागालैंड और मेघालय में चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। पूर्वोत्तर के इन दोनों ही राज्यों में 27 फरवरी को मतदान होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने त्वेनसांग जिले में अपनी पहली रैली को संबोधित किया। त्वेनसांग में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर में उनका उद्देश्य ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसफॉर्मेशन है। मोदी ने कहा कि हम तकनीक की मदद से ये सुनिश्चित करेंगे कि राज्य को आवंटित किया गया धन लोगों तक पहुंचे। जब सबका साथ सबका विकास इसी एक मंत्र को लेकर के हिंदुस्तान के हर कोने को, हिंदुस्तान के हर राज्य को, हिंदुस्तान के हर समाज को साथ लेकर के चलने का प्रयास होता है और ईमानदारी से होता है, तब इतनी बड़ी संख्या में आकर के लोग हमें आशीर्वाद देते हैं। जब देश न्यू इंडिया के संकल्प को पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नागालैंड के लोगों का विकास, यहाँ के लोगों का संकल्प न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप सभी के योगदान से ही राष्ट्र का निर्माण का ये कार्य तेज गति से आगे बढ़ेगा। न्यू इंडिया का सपना, न्यू नागालैंड का सपना भी साकार होगा। नागालैंड के त्वेनसांग में पीएम मोदी ने कहा कि नागालैंड के लोगों के अधिकारों की रक्षा हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नागालैंड की भलाई के लिए उठने वाली हर आवाज का सम्मान करती है। हमने हमेशा बातचीत का रास्ता खुला रखा है। अस्थिरता इस क्षेत्र के लोगों ने देखी है, उसे अब आगे बढ़ने का समय है। चार साल में चार चार बार कैबिनेट शपथ ग्रहण करें, ये स्थिति विकास को अवरुद्ध करने वाली है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि नागालैंड में एक स्थिर और मजबूत सरकार बने, जो सिर्फ और सिर्फ नागालैंड के लोगों के विकास के लिए समर्पित हो, विकास के लिए काम करती। पीएम मोदी ने कहा कि नागालैंड में भाजपा की सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली से आने वाला पूरा पैसा आप तक पहुंचे। हम इस सिस्टम के लूप होल्स को खत्म कर रहे हैं। राष्ट्र विकास में राष्ट्र में अगर एक बड़ा चैलेंज हमेशा रहेगा करप्शन का। बहुत आवश्यक है कि सरकार जिन योजनाओं पर जितनी राशि खर्च करना तय करती है, उसका पूरा लाभ सामान्य मानवी तक मिले। ये भी बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार नागालैंड के लिए, विकास के लिए जितना पैसा भेजती है, उसकी पाई पाई आपके विकास के लिए खर्च होनी चाहिए। हमारे देश में एक बार एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये स्थिति बदलने का हमने संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं। मेघालय और नागालैंड के चुनावों को देखते हुए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। पीएम मोदी का दौरा पूर्वोत्तर में बीजेपी की ताकत को और बढ़ाने के ही मद्देनजर है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।